हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गिफ्ट अनबॉक्सिंग से। वैसे तो गिफ्ट रैप में है नहीं, सामने से देखकर ही आपको पता चल जाएगा एक्चुअली क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो पापा जी हैं वो इंडियन ऑयल में जैसे काम करते थे, अभी तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनके यहाँ पर ना मतलब कंपनी ऑर्गेनाइज करती है पार्टी। तो हर साल जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं वो भी इनवाइटेड होते हैं, तो वहाँ पे मिठाइयाँ मिलती हैं, गिफ्ट मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो पापा जी ने अटेंड की थी पार्टी, और यहाँ पर पापा जी को अब की बार ये टोस्टर मिला है। ये मतलब टोस्टर, ये वाला इस टाइप का टोस्टर हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। नहीं, यूज़ क्या करेंगे, अभी हमने जस्ट इसको उठा के वैसे रख दिया है स्टोर रूम में, क्योंकि हमारे पास दूसरी वैरायटी का टोस्टर है ऑलरेडी, तो इसको कभी और देख लेंगे। बट हाँ, फिर मैं थोड़ा सा इसको देख रही थी कि ये वाला किस टाइप का है, तो इस तरह से होता है। और थोड़ा सा मैनुअल वगैरह पढ़ने के बाद कि अच्छा इसको इस तरह से लीवर वगैरह इसके ऑन करने हैं, ये सब करना है, तो वो सब मैं चेक कर रही थी। एंड हर बार पापा जी को कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया आई थिंक, जैसे इलेक्ट्रिक केटल और मतलब बहुत कुछ चीज़ें इस तरह के आइटम जो यूज़ में आते हैं ना। मेरे हिसाब से जो किचन आइटम्स होते हैं वो ज़्यादा मिले हैं, मतलब जहाँ तक मुझे याद है, मतलब जो यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं, तो अच्छी बात है। तो ये इसका मैं इस साथ में जो मैनुअल था इस पे ये वारंटी कार्ड था, 1 ईयर की वारंटी थी। जो कंपनी वो तो मुझे देखो पता नहीं क्या है, बट हाँ ये था कि 1 ईयर की वारंटी है, तो काफ़ी मतलब सही है। तो अब ये अभी तो इस स्टोर रूम में जाएगा, बाद में कभी यूज़ करेंगे तो दिखाएंगे। एंड यहाँ पर आज है सैंडी का बर्थडे, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। एक्चुअली क्या है, एकदम से प्लान बना, पता है हमारा प्लान पहले क्या था, मतलब मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, मेरे हस्बैंड के दिमाग में कुछ और चल रहा था, लेकिन बाद में फाइनल वो हुआ जो मेरे दिमाग में चला था। यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर की थी टी शर्ट वगैरह, तो सैंडी का मन था भाई मुझे कुछ भी दो, मुझे गिफ्ट रैप करके देना। तो जब हम तैयारी कर रहे थे तो सैंडी सिया ने तभी दे दिया था सैंडी को। एंड हैनी से भी पूछा था कि भैया को क्या गिफ्ट देना चाहोगे, तो सैंडी को पेन बहुत पसंद है वैराइटीज़ के, तो हैनी ने कहा था भैया को पेन देंगे, तो हमने इसको पेन ला के दिया था, मतलब दीदी ने पेन ला के दिया था हैनी को। बट हैनी गिफ्ट लेके घूम रहा है, बट उसे खुद नहीं पता इसके अंदर क्या है, उसे बस ये है कि कुछ गिफ्ट मेरे को भी भैया को देना है। तो यहाँ पर सैंडी अपने कपड़े देख रहा है, टी शर्ट्स, ये तो दीदी की तरफ से थी, और जो एक टी शर्ट थी ऑनलाइन मंगाई थी वो भी मैं अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो सिया ने पसंद की थी टी शर्ट, ये सैंडी को बहुत पसंद आई थी। अभी आप इसके रिएक्शन देखना, जब ये देखेगा ना प्रिंट वगैरह, वही है, बच्चों को आपस में पता है कि किसको क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये बहुत ही खुश हो गया था, मतलब हमें तो लगा था गेमिंग का प्रिंट है, पता नहीं कैसा क्या सिया ने पसंद किया है, बट वही है ना, बच्चे आजकल इस चीज़ें देखे तो ये बड़ा खुश था। आप इसकी खुशी इसके चेहरे से देख ही सकते हैं। एंड बस ये है। और फिर अभी बर्थडे के टाइम पे जो कपड़े पहनेगा वो भी दीदी ने दिए थे, तो अब एक एक करके बस जस्ट वो देख ही रहा है। एंड हैनी तैयार बैठा है कि मैं भी अपना गिफ्ट दूँ, और वो खुद नहीं पता उसको कि उसमें क्या है, मम्मी ने मुझे क्या देने को दिया है। तो अभी आप देखिएगा जब सैंडी इसको ओपन करेगा तो पता चलेगा, तो हैनी के फेस को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो खुद एक्साइटेड है कि इसके अंदर क्या निकलेगा। तो इसके अंदर पेन है, सैंडी को बहुत शौक है डिफरेंट डिफरेंट पेन का। अभी थोड़ी सी बड़ी क्लास में आ गया है, 6th में आ गया है, तो पेन वेन से काम कराते, 5th से ही शुरू कर दिया था, तो इसको पेन का शौक बहुत है। तो यहाँ पर इसका फेवरेट ट्राईमैक्स का पेन था, और इस तरह से रहा है। और अभी हम क्या है, बैलून वगैरह फुला रहे थे इस तरह से। तो हाँ, जैसे मैंने बोला था ना प्लानिंग कर रहे थे हम लोग, तो मेरा प्लान ये था कि जैसे आस पड़ोस में बच्चे हैं उनको बुला के घर पे, जैसे हमने आज तक आपने देखा होगा हमने कभी उनको इनवाइट नहीं किया, यहाँ पे मतलब ऐसे ही है, इतना एक दूसरे को इन्वाइट करते हैं नहीं, हमारे सामने आंटी रहती वो तो हमेशा इन्वाइट करते हैं खैर, बट हमारा ये फर्स्ट चांस था। तो मेरा मन था कि मतलब आस पड़ोस में जो बच्चे हैं उनको बुलाया जाए ऐसे। और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका प्लान ये था कि शाम को कहीं बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने चलते हैं। नेक्स्ट डे से नवरात्रि थे, जिसमें कि और मेरे को सैंडी को देखते हुए, क्योंकि सैंडी को ना ऐसे रेस्टोरेंट में खाना वाना खाना इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको बस पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, वो भी घर ही आ जाए तो उसमें भी खुश हो जाता है।
तो फिर यही फाइनल हुआ था कि बच्चों को ही बुला लेते, चलो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा अब की बार। और घर पे पिज़्ज़ा वगैरह मंगा लिया था फिर, और यहाँ पर सैंडी पेन चला के देख रहा था। एक्चुअली ये पता नहीं चल रहा था ये ब्लैक पेन था या ब्लू पेन था, तो थोड़ा सा लिख के देख रहा था। और साइड में अभी आपने एक झलक देखी, हम लोग काम वाम कर रहे थे। भाभी जी, सिया की फोटो की एक पे ना ऐसे कैसे करती है ऐसे? ना ना, आज वो चल रहा है ना, क्या वो क्या बोलते हैं, सरिंग बोलते, क्या बोलते हैं, सारंग सारंग। एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि बच्चों को इनवाइट किया था, तो ये हमारे आस पड़ोस के बच्चे हैं, छोटे ही है, सैंडी से सारे छोटे थे एंड छोटे हैं। और यहाँ पर क्या है, केक मंगाया हमने, केक हमने हमेशा की तरह जो साइज़ मंगाते वही मंगाया था, क्योंकि आज कल वो सॉरी नेक्स्ट डे से नवरात्रि थे, तो ये था कि केक बचना नहीं चाहिए, तो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज़ से ही हमने इतना मंगाया था। वरना जैसे कि अगर और बार का टाइम होता है, जैसे नेक्स्ट डे तक भी रहता है, तो उस दिन भी खाया जाता है केक, तो बल्कि मतलब हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, रखा जाता है फ्रिज में, अगले दिन ज़्यादा खाया जाता है। तो लेकिन नवरात्रों की वजह से फिर हमने मतलब ये ही मंगाया था साइज़, और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। एंड यहाँ पर सैंडी अबकी बार बहुत खुश था, और बच्चों की साइज़ आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनमें, आपको पता है सबसे बड़ा सैंडी ही है, नहीं सिया भी बड़ी है पर मतलब वो ये बाकी सब छोटे ही हैं। तो यहाँ पर केक कटिंग हो गई है सैंडी की, एंड वो बहुत खुश था। जैसे मैंने उसे पूछा ना कि जैसे डिफरेंट हो गया, बच्चे आए हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लगा था कि मम्मी मुझे तो एकदम सरप्राइज़ मिला। और जैसे मैंने उसको बताया ना बच्चों को बुलाएंगे, हमने पहले से सोचा था बट बताया नहीं था, तो उसके लिए एक तरह से एक सरप्राइज़ ही हो गया था। और यहाँ पर हमने बिस्किट फ्रूटी वगैरह ऐसी चीज़ें जैसे टॉफ़ीज़, जैसे बच्चों को जैसे पहले टाइम में करते थे ना, केक कट करके उनको दे देते हैं बच्चों को साथ में, ऐसी चीज़ें रख के, तो इसलिए रखा हुआ था। और जो बच्चे हैं वो भी संडे के लिए गिफ्ट लेके आए थे। अब छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के हिसाब से, जैसे कि किसी ने इसको ज्योमेट्री बॉक्स दिया था, कलर का बॉक्स दिया था, पेंसिल बॉक्स दिया था, मैंने कहा अब तो सैंडी थोड़ा बड़ा हो गया है। एंड ये जो सैंडी का केक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सुपर हीरोज़ की थीम थी, हमने डिज़ाइन कुछ और दिया था, लेकिन इन्होंने जिस तरह से बनाया, फिर इन्होंने फ़ोटो सेंड किया, तो यहाँ पे क्या था मतलब फिर हमें ये डिज़ाइन भी ठीक लगा था, बट वरना हमने कुछ और किया था प्लान। और ये वाला जो केक है ना, जिनसे हमने बनवाया था, वो घर में ही बनाते हैं, तो हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था इनका, कि क्योंकि इनका नाम सुना था काफ़ी कि घर में बनाते हैं, और मतलब बहुत ही साफ़ सफाई के साथ, केयर के साथ, थोड़ा जैसे आप समझ सकते हैं। और वैसे भी आजकल कुछ कुछ सुनने में आती रहती चीज़ें, और जैसे इनका नाम सुना था तो मन हुआ एक बार ट्राई किया जाए। तो और ये थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने अपनी तरफ से स्टाइल दिया था इसको, तो ये मैंने निकाल के साइड में सिया के लिए रख दिया था। सिया को ऐसी क्यूट क्यूट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि सिया इसी को खा लेगी इसमें से ही। और यहाँ पर हम बच्चों के लिए केक डिस्ट्रीब्यूट करें। एंड ऐसी बात रह गई थी कि हमने जो फीमेल घर से बनाती हैं उनका आपकी बार ऑर्डर किया था, वाकई में केक बहुत टेस्टी था सच में। मतलब पहली बार में हम तो इतना फ़ैन हो गए थे उनके। उन्होंने कोई रिव्यू वगैरह ऐसे खुद से नहीं मांगा था, बस उन्होंने मतलब व्हाट्सएप पे बात हुई, उन्होंने डिलीवर कर दिया था, बट मैंने खुद जाके खाने के बाद फिर उनको स्पेशली रिव्यू दिया था, इतना अच्छा था। और अभी फाइनल हो गया है कि आगे से नेक्स्ट जितने भी केक आएंगे इनके यहाँ से ही आएंगे। रीज़नेबल प्राइस में भी था, टेस्ट बहुत औसम था, फ्रेश था बिल्कुल, मतलब बहुत यम्मी केक बना है। तो मतलब केक जैसे मैंने अभी आपको बताया बहुत ही टेस्टी था, और बस वही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और ये बच्चों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, थोड़ा थोड़ा सा बचा था वो हमने खा लिया था, और फिर पूरा फिनिश कर दिया था। मतलब आज के दिन की नेक्स्ट नवरात्रे हैं, केक नहीं होना चाहिए फ्रिज में, वरना देख के मन करेगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से था। और सच में कई बार जैसे होता है ना, आइसक्रीम बहुत सी फीमेल घर में बना लेती हैं, और केक वगैरह इस चीज़ें, तो कई बार जब दूसरों को सुनते हैं तो ऐसे लगता है नहीं नहीं शॉप वाली बात थोड़ा अलग होती है ऐसे करके, लेकिन नहीं, इनका केक बहुत ही औसम था, सीरियसली जितनी तारीफ करो उतना कम था। और बस यहाँ पे अभी बच्चों को देने के लिए हम तैयार हैं। तो अभी आपने जैसे देखा बच्चे केक कटिंग के बाद घर जा रहे थे, तो उनको हम केक वगैरह दे रहे हैं, और जैसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, तो कहीं ये केक गिरा ना दे इस वजह से, तो एक दो बच्चों को पापा जी भी छोड़ के आए थे पास में ही, जस्ट घर बिल्कुल ऐसे नहीं कि दूर दूर से थे, तो
तो इस तरह से रहा था। तो अब की बार का बर्थडे सेलिब्रेशन सैंडी को बहुत पसंद आया, बहुत खुश हो गया था। और वैसे भी देखो वाकई में बच्चे किस चीज़ से खुश होते हैं उन चीज़ों को करना चाहिए। मतलब जैसे मेरे हस्बैंड सोच रहे थे ऐसे करेंगे, वहाँ जाएंगे वहीं केक कट हो जाएगा, नहीं बट मुझे लगा कि अब की बार थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए और सैंडी खुश भी हो गया था। दोनों ने कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमने सिया के लिए पार्ट निकाल के रखा था, तो थोड़ा सा स्पार्कलिंग टच भी है इसमें। मतलब हमें अच्छा लग रहा था, क्यूट सा लग रहा था, तो हम कह रहे थे सिया स्टोरी डालेगी। अब सिया को ना क्यूट क्यूट सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो बस वही सब चीज़ें चल रही थी। तो हमारे सैंडी का बर्थडे इस तरह से हुआ था। एंड यस, और यहाँ आपको पापा जी पैसे देते हुए दिख रहे होंगे। एक्चुअली क्या है, किसी भी बच्चे का बर्थडे हो, पापा जी तीनों बच्चों को ही पैसे देते हैं, शगुन के नाम के पैसे जैसे। तो इस तरह से रहा है सैंडी का बर्थडे। और केक कटिंग का ये जो था ना, बहुत जल्दी जल्दी में हमने किया। एक्चुअली क्या है, जैसे घर में काम चल रहा है, यहाँ पे बहुत सामान फैला हुआ था, वो सब कुछ समेट के सब कुछ अरेंज करना, मतलब हमने सोचा नहीं था। एक बार को ये लगा था जिस हिसाब से काम फैल गया था यहाँ पे, जैसे मिस्त्री वगैरह होते हैं, तो हमें एक बार को लगा था कि शायद मतलब बच्चों को इनवाइट करना आपकी बार सही नहीं है, नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे। बट फिर वही हम देवरानी जिठारी ने मिलके थोड़ा ही हॉल को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाया हॉल को, और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। तो इस तरह से सैंडी का बर्थडे मना है। और बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ देखने के लिए।